छठवीं चेतना यात्रा दिल्ली के रानी बाग से 10 सितंबर को शुरू हुई। वहां डैन के बड़े जेवी पार्टनर मदन खुराना और नरेंद्र बागड़ी ने यात्रा का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर चेतना यात्रा को दिल्ली से रवाना किया। तो डॉक्टर बधाई, आज कोरोना काल के बाद 2 साल बाद फिर आप चेतना यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद यात्रा करनाल के प्रमुख केबल ऑपरेटर सुनील अरोड़ा के यहाँ पहुंची, जहाँ पर सुनील अरोड़ा और करनाल के सारे ऑपरेटरों ने मिलकर इस यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं दी। ऑल इंडिया यात्रा कर रहे हैं, जो 18वीं चेतना यात्रा है, ये हर साल हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है डॉक्टर साहब ने सभी इंडिया के ऑपरेटरों को अपने साथ जुड़ा हुआ है, सभी के यहाँ जाते हैं हर साल में एक बार। हम इनका बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। चेतना यात्रा को डॉक्टर ए के रस्तोगी 2005 से लगातार कर रहे हैं और वो पूरे देश के लगभग 30,000 केबल ऑपरेटरों को इस यात्रा के माध्यम से कवर करते हैं। इस बार की 18वीं चेतना यात्रा में TV9 एक प्रमुख स्पॉन्सर है। इस यात्रा के दौरान केबल ऑपरेटर और आम आदमी TV9 को लेकर भी काफी उत्साहित हैं और TV9 के प्रति अपना भरोसा जताते नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से एज अ टाइटल स्पॉन्सर चैनल हमें भी लोगों का और केबल ऑपरेटरों का ओपिनियन जानने को मिल रहा है। चेतना यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये है कि केबल टीवी से जुड़े कामकाज और समस्याएं और उसका समाधान, नियम कानून, TRAI का नया रेगुलेशन, नए नए टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाना और उन सारे ऑपरेटरों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना एवं देश भर के सभी केबल ऑपरेटरों को जोड़ना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस बार की यात्रा की खास विशेषता ये है कि केबल ऑपरेटरों के साथ साथ आम आदमी भी इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है और हर जगह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। हमारे